हेलो फ्रेंड्स, मैं अजिंक्य फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। हमने एक इनोवा क्रिस्टा पिकअप की है जिसके ऑलमोस्ट किलोमीटर्स है 118,000। बहुत बेसिक कंसर्न है कस्टमर का, जस्ट 2 मंथ एगो इसका क्लच रिप्लेस हुआ था बाहर लोकल में। कस्टमर का कंसर्न है 2 महीने पहले क्लच रिप्लेस हुआ फिर, और तभी क्लच रिप्लेस करने का रीज़न था क्लच पेडल ऑपरेशन इसका हार्ड था। और आज सेम कंसर्न के लिए मैंने व्हीकल अटेंड की है, उनको बहुत एक्सपर्टीज की उम्मीद है हमसे। तो देखेंगे, अब मैंने टेस्ट गाड़ी रिसीव करने के पहले खुद टेस्ट ड्राइव किया, गाड़ी का क्लच बहुत हार्ड है, इतने जल्दी हार्ड नहीं होना चाहिए था। बट बेसिकली मैं आपके साथ एक कंसर्न, जब भी इन जनरल आपके व्हीकल में क्लच हार्ड का रीज़न आता है तो उसका एक बेसिकली एक टेक्निकल रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है प्रेशर प्लेट। क्लच प्लेट में जो प्रेशर प्लेट के फिंगर्स होते हैं, अगर वो हार्ड हो जाते हैं, वो उनमें टेंशन बढ़ जाता है, तो वही फील हमें हाइड्रोलिक क्लच थ्रू पेडल पे आएगा। इसमें इस सब मैकेनिज्म में आपका ब्रेक क्लच पेडल, रिलीज बेरिंग, आपका पूरा 2 सिलेंडर वाला सिस्टम है, अपर सिलेंडर लोअर सिलेंडर। तो क्लच हार्ड होना मतलब फटाफट क्लच खोला क्लच सेट चेंज कर दिया ऐसा नहीं होता। 99% प्रेशर प्लेट इशू करती है, बट इस सब तरीके से सिस्टम से प्रोसेस से हर एक चीज़ को व्यवस्थित डायग्नोस किया जाए, हर एक सिलेंडर का लीकेजेस सिपेजेस देखा जाए, सिलेंडर प्रेशर क्या डेवलप करता है ये देखा जाए, तो इसका सॉल्यूशन 100% वाला सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो फिर सेम, आज हमने गाड़ी सेम कंसर्न के लिए रिसीव किया, क्लच चेंज किया, फिर गाड़ी 1-2 महीना अच्छा चला, फिर 2 महीने के बाद क्लच हार्ड हुआ, सेम इशू आ सकता है। तो ये चीज़ आज नहीं होनी चाहिए, पहले किसी ने की रहेगी ठीक है, लेकिन इस बार कस्टमर हमसे उम्मीद करता है कि थोड़ा ये वन टाइम में ये कंसर्न सॉल्व हो। सेकंड सस्पेंशन में थोड़ा नॉइज है, खोल के देखेंगे सस्पेंशन में क्या है, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो बने रहिए, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, क्रिस्टा का क्लच ओवरऑल हो चुका है। इसका जो कंसर्न था क्लच हार्ड का, पेडल हार्ड होना, उस रिगार्डिंग हमने क्लच ओवरऑल किया, हमें पता चला जो पहले भी मटेरियल रिप्लेस हुआ था वो भी ओरिजिनल ही था, 99% ओरिजिनल मटेरियल यूज हुआ है, कोई इश्यू नहीं था। इस पर भी एक्सीडी टोयोटा का मार्का है, ओरिजिनल क्लच है, मैंने जो ओरिजिनल डीलरशिप से मंगाया है ये ऐसे पैकिंग में आता है, ये भी ओरिजिनल है। प्रेशर प्लेट भी, यहाँ तक कि हमने प्रेशर प्लेट का पैकिंग है ओरिजिनल टोयोटा, ये भी प्रेशर प्लेट हमने नया मंगाया। तो पहला जो क्लच रिप्लेस हुआ था ये पुराना क्लच और पुराना प्रेशर प्लेट है, ये भी ओरिजिनल ही था, फिर भी ये दिक्कत आई पेडल हार्ड होने वाली। तो एक हमें भी क्यूरियोसिटी था कि ऐसे क्यों हुआ, साथ ही साथ में हम लोग इसका रिलीज बेरिंग भी चेंज कर रहे हैं। इसका एक रीज़न था कि ये क्लच फोक असेंबली है जो रिलीज बेरिंग को ऑपरेट करता है, ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल होता है, अंदर रिलीज बेरिंग को ऑपरेट करता है, जब हम पेडल पुश करते हैं तो कुछ सिलेंडर इस तरफ से मूवमेंट दे के रिलीज बेरिंग को ऑपरेट करता है। इसके अंदर एक वाइट बुश आता है, सेम ये बुश है, ये बुश कटा हुआ है और इसका ये रबर भी है ये भी कटा हुआ है। तो ये फोक अगर मूवमेंट बराबर नहीं देगा तो तभी जाके भी हमारा पेडल हमें हार्ड फील होगा। तो जो चीज़ लास्ट टाइम नहीं हुई और इस टाइम होने वाली है वो बेसिकली यही चीज़ है, हम फोक का दोनों बुश रिप्लेस करने वाले हैं, तो इससे पेडल हार्ड रिलेटेड कोई भी दिक्कत कस्टमर को नहीं आएगी और क्लच रिप्लेसमेंट के बाद उसका इफेक्ट हमें ज़रूर मिलेगा। तो बने रहिए, इसका फिटमेंट प्रोसेस देखते हैं, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज क्रिस्टा के मेंटेनेंस का ये सेकेंड डे है, कल हमने इसका क्लच रिप्लेस किया था, क्लच जो हार्ड था उसके रिगार्डिंग हमें एक दिक्कत मिली थी फोक वाली, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, फोक के दोनों छोटे वाले जो ओरिंग्स और ऑयल सील थे वो हमने रिप्लेस कर दिए। साथ ही साथ और कुछ इंस्पेक्शन हुआ था, फिर मैंने कस्टमर से सर्विस के लिए अप्रोच किया, तो सर्विस में जो रिपोर्ट्स निकले हैं गाड़ी से वो एक बार मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप बने रहिए, आपको दिखा दूँ। ब्रेक पैड की थिकनेस कम थी, ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी, डिस्क पे स्क्रोल मार्क्स थे तो डिस्क स्किमिंग करना ज़रूरी था, साथ ही साथ अपर आर्म जो है उसके बॉल जॉइंट में प्ले था तो वो बॉल जॉइंट भी हम रिप्लेस करेंगे, और एयर फिल्टर एसी फिल्टर और ऑयल चेंज वाला शेड्यूल अटेंड करेंगे।
तो मैं एक बार जो पुराने कंपोनेंट्स निकले हैं वो आपको दिखा देता हूँ। और इसके आगे के दोनों शॉकअप हेवी लीकेज थे, पीछे का वीक था, तो वो भी कैसे चेक करना मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ, बने रहिए, दिखा देता हूँ आपको। तो क्रिस्टा के ये सब कंपोनेंट्स है जिसमें मेंटेनेंस की जरूरत है। ये अपर आर्म है जो साइज में छोटा रहता है कंपेयर विथ लोअर आर्म। इसके बॉल जॉइंट में भी प्ले है, तो ये बॉल जॉइंट बेसिकली रिप्लेस कर देंगे। ये प्रेस जॉब से रिप्लेस होगा, ये टर्नर करेगा हाइड्रोलिक प्रेस पे। ये देख सकते हैं ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड की थिकनेस हमने स्केल से मेजर की, ये 2 mm से भी कम है, तो ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट होगा इस केस में। डिक्स पे जो स्क्रोल मार्क्स थे उस रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिक्स स्कीमिंग के लिए भेज दिया है। शॉक ऑब्जर्वर देख सकते हैं, इसमें जरा भी टैम्पर नहीं है। ये शॉक ऑब्जर्वर बाहर आने के पोजीशन में ही नहीं है, पूरा ख़त्म है, वीक है। और जो आगे वाला शॉकअप है वो हेवी लीकेज है। तो पीछे के 2 शॉक ऑब्जर्वर, सस्पेंशन में अपर आर्म का बॉल जॉइंट, ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसको शायद राइट बाइट है, एसी फिल्टर के ऊपर चूहे ने खाया है। साथ ही साथ एयर फिल्टर भी रिप्लेस कर देंगे। कुछ कंपोनेंट्स हमने इसके मंगा लिए, जैसे कि ऑयल चेंज होगा तो ये टोयोटा का ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा। ये एयर फिल्टर है, वाइपर ब्लेड्स है, और ये बॉल जॉइंट असेंबली है। ये जो बॉल जॉइंट है वो टर्नर के पास भेज देंगे प्रेस जॉब के लिए। इसका आगे का जो शॉक, ये आगे का सस्पेंशन पूरा ओवरऑल हो चुका है, इसमें से शॉक ऑब्जर्वर असेंबली कर रहे हैं हम लोग। इसमें गैब्रियल का रिफिल यूज कर रहे हैं, ये गैब्रियल का रिफिल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे असेंबल हो रहा है, पुराना कॉल स्प्रिंग सिर्फ यूज होगा, डस्ट कवर और ऊपर का प्लेट, बाकी रिफिल न्यू वाला यूज करेंगे। वर्किंग प्रोग्रेस में ये न्यू एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट हो रहा है क्रिस्टा का, नया एयर फिल्टर हम लोग ने इसका रिप्लेस कर दिया। ये दोनों लोअर आर्म मशीनिंग प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं, साथ में न्यू बॉल जॉइंट। ये पुराने वाले प्रेस मशीन पे रिमूव किए जाएंगे प्रेस करके हाइड्रोलिक प्रेस से, और ये नया वाला इंस्टॉल होके आएगा। और ये साथ ही साथ में डिस्क स्कीमिंग के लिए दिया है तो वो भी आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्रिस्टा लेके आए व्हील अलाइनमेंट प्रोसेस के लिए। ऑलमोस्ट इसके चारों शॉक ऑब्जर्वर रिप्लेसमेंट हो गया, लोअर आर्म के बॉल जॉइंट जो मैंने दिखाए थे वो भी हमने रिप्लेस कर दिए, क्लच का इशू था वो भी रिजॉल्व हो चुका है। अभी गाड़ी व्हील अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट के बाद हम इसको वॉशिंग करेंगे, अंडर चेसिस क्लीन करेंगे, देन एंटी रस्ट का कोटेशन अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए, थैंक यू। व्हील अलाइनमेंट वर्क इन प्रोग्रेस में है, अलाइनमेंट रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होगी, बहुत आउट है। कभी भी सस्पेंशन रिप्लेसमेंट के बाद व्हील अलाइनमेंट माइनेटरी है, नहीं तो इससे आपके गाड़ी के टायर्स अनइवन वेयर हो सकते हैं, गाड़ी में पुलिंग कंसर्न आ सकता है, राइट लेफ्ट खिंचाव आ सकता है। ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए अलाइनमेंट बहुत नेसेसरी है। टेक्निकल टीम मैकेनिकल टीम असेंबल करके बाजू हट जाती है, बट उसको एक्यूरेसी देना, एंगल वैल्यूएशन देना, ये सब व्हील अलाइनमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करता है, तो वही अभी हो रहा है, व्हील अलाइनमेंट चालू है। व्हील अलाइनमेंट होने के बाद उसको रीचेक करना भी बहुत नेसेसरी है, तो वही रीचेकिंग प्रोसेस चालू है। इसमें 2 हिसाब से चेक होता है, एक तो हमें स्पीड हमारा 30-40 के रेंज में रख के स्टेयरिंग व्हील अलाइन है कि नहीं ये कंफर्म करना है। उस समय इस चीज का भी ध्यान रखना है कि रोड जो है वो सरफेस वाइज अनइवन ना हो और प्लेन हो, तो वो एक चीज कंफर्म करना है। दूसरा, अलाइनमेंट परफेक्ट का कंफर्मेशन हमें मिलता है जब हम जगह पे यूटर्न्स लेते हैं, शार्प यूटर्न्स लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्टेयरिंग व्हील को रिलीज करना है, वो
थोड़ा सा सेकेंड एंड हाफ टर्न लेके वो अपने जगह पे आएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट के क्या बोलते हैं सिगमेंट्स हैं, ये दोनों चीज पे बहुत गौर करना है आफ्टर व्हील अलाइनमेंट। पीरियोडिक सर्विस, क्लच रिप्लेसमेंट, सस्पेंशन रिप्लेसमेंट के बाद आखिरी काम है वॉशिंग और साथ ही साथ एंटी रस्ट। तो आज हम यूज करने वाले एड ट्यूब का एंटी रस्ट प्रोटेक्शन, जो एक रबर कोट सीलेंट की तरह का एप्लीकेशन के बाद बनेगा और पूरे अंडर चेसिस को मेंटेन रखेगा करोजन से। तो आप देख रहे हो गाड़ी वॉशिंग हो रहा है, जिससे वॉश हो जाएगा हम उसको अंडर चेसिस पूरा क्लीन करके एक एड लुक का एंटी रस्ट यूज करेंगे। इसका एप्लीकेशन कोड भी मैं आपके साथ जरूर एक बार शेयर करेगा, बने रहिए। एंटी रस्ट ट्रीटमेंट एप्लीकेशन चालू है। व्हील आर्च पे एंटी रस्ट कर दिया है, पूरा रबर सीलेंट होगा सूखने के बाद। व्हीकल वॉशिंग हो गया, एंटी रस्ट भी हो गया। अब इसका मुझे एक बार गाड़ी चेक करना है, मैं चेक कर लेता हूँ इंटीरियर वगैरह बराबर क्लीन हुआ कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। डिलीवरी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है गाड़ी कस्टमर को हैंड ओवर करने के पहले। आपको भी दिखा देता हूँ एंटी रस्ट कैसे दिखता है। अभी तक ये सूखा नहीं है, इसको ड्राई होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा, इसको सूखना भी बहुत जरूरी है।
सो फ्रेंड्स, डिलीवरी पर्पज हम लोग निकल गए गोरेगांव से दहिसर, गाड़ी ड्रॉप करना है। अभी जो क्लच का फील है वो बहुत मस्त है, बहुत स्मूथ है, मक्खन हो गया पानी की तरह। चारों शॉकअप रिप्लेस किए तो सस्पेंशन का भी फीलिंग मच बेटर है। इस गाड़ी पहले से बहुत कम पटकता है, ज़्यादा बाउंसी फील नहीं होता। ये सब सर को भी देंगे गाड़ी चलाने के लिए, एक बार उनका रिएक्शन भी नोट डाउन करेंगे। उनके साथ व्लॉग वगैरह शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, बट फीडबैक लेना ज़रूरी है उनके तरफ से। और PMS का रिजल्ट भी मिल रहा है, पता चल रहा है गाड़ी एकदम स्मूथ साइलेंट हो चुका है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। एयर फिल्टर वगैरह भी रिप्लेस हो गए ना, तो सही चल रहा है। आज संडे हो